यूनियन के लीडर जो आज भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इतना जन सैलाब लेकर आए, उसका नेतृत्व कर रहे हैं जेएस पाटिल साहब। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्य से यहाँ जो जनता बुलाई, उनका क्या उद्देश्य है। साहब आपका एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आज जो आपने इतना बड़ा जन सैलाब बुलाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में जो समाज है, जो बैकवर्ड क्लास का समाज है, SC ST OBC को, उनको सम्मान देने के लिए रिजर्वेशन इन सर्विसेज का प्रोविजन किया है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन का भी प्रोविजन कर दिया है। इसके माध्यम से हम मेरिट होके भी हमको नौकरी पर नहीं लेते थे, आज मिनिमम गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में देने के दिया करके हम नौकरी में आए। हम एक सम्मान के जगह पर आ जाए, मगर वो सम्मान को खत्म करने के बाद जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो अपर कास्ट के आइडियोलॉजी वाले, जो ब्राह्मणिज्म के आइडियोलॉजी वाले लोग काम करते हैं, इसके माध्यम से जुडिशियरी ने हमारे लोगों को सम्मान या अपमानजनक परिस्थिति में कन्वर्ट करने का काम किया है। कुछ राज्यों में इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ राज्यों में स्टेटस को है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो राज्यसभा में पारित हुई जो एम नागराज का जो जजमेंट है, उसको नलीफाई करने के लिए जो 117 अमेंडमेंट पारित हुई, वो लोकसभा में अभी भी पेंडिंग है, वो पारित हो और वो 9 शेड्यूल में जुडिशियरी के दायरे के बाहर ये रिजर्वेशन जाना चाहिए करके 9 शेड्यूल में, जैसे तमिलनाडु का रिजर्वेशन है, वो 9 शेड्यूल में लाना चाहिए करके हमारी प्रमुख डिमांड है। बाकी भी डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में हमारे डायरेक्टर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के नहीं किए जाते, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए, उसमें अमेंड करके हमारा एक डायरेक्टर होना चाहिए। जो अंगनवाड़ी वर्कर एक देश में 30 लाख काम करती है, 14 घंटे काम करने के बावजूद उनको सैलरी आज भी नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? उनका प्रतिनिधित्व करने वाली जो लेफ्टिस्ट, गांधीवादी, सोशलिस्ट और राइटिस्ट मूवमेंट है, वो सही ढंग से वो मसला हल नहीं कर रही है। इसलिए अम्बेडकराइट मूवमेंट की ट्रेड यूनियन आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी न्याय देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को न्याय देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप में भविष्य में ये सभी लोगों को इकट्ठा करके एक व्यवस्था परिवर्तन का काम, ये समाज के लिए जो ब्राह्मणिज्म व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए व्यवस्था को बदलाना ये आज की आवश्यकता है, उसमें हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। पाटिल साहब अभी मन से बोल रहे थे कुछ लोग कि संविधान आज खतरे में है, आज इतने पढ़े लिखे लोग हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, एडवोकेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, तो आज ये संविधान किस तरीके से खतरे में है? संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को खतरे में डालने का काम जो लोग भी कर रहे हैं जुडिशियरी के माध्यम से। इतना इजी नहीं है कि पॉलिटिकली संविधान को ख़त्म करना, ये इतना इजी नहीं है। लोग तो प्रायः जब से कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आना 1950 से शुरू हो गया, वही दिन से प्रयत्न कर रहे हैं। 1963 में प्रयत्न किया, 50% लिमिट लाया, उसके बाद में 1992 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म करने की बात किया, सीनियरिटी पीछे लेने की बात किया, वो जुडिशियरी के माध्यम से कर रहे हैं जी, वो जुडिशियरी के माध्यम से कर रहे हैं। मगर उनके साथ हम लोगों को इनका चेहरा जो है, वो ब्राह्मणवादी चेहरा जो हमारे लोग उनके साथ में है, उनको बाहर निकाल के उनको हम अशक्त बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे और हम मजबूत होंगे। इसलिए संविधान खत्म करने के जो प्रयास करेंगे वो उनके विफल होंगे, हम संविधान को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से कामयाब। पाटिल साहब जो ये बाबा साहब के संविधान के तहत रिजर्व सीट से जो जीत कर आते हैं, जब बहुजन पे और दलित समाज में इस तरीके के अत्याचार होते हैं, वो लोग पार्लियामेंट या राज्यसभा में बैठ कर कोई जवान खोलते नहीं है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने दिया है वो 5-10 साल के लिए, वो उनके फायदे के लिए उसको एक्सटेंड करते जाते। बात यह है कि बाबा साहब ने जो बात पुणे पैक्ट में कही कि हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, मगर गांधी जी ने उपोषण किया कि नहीं, ये उनके तबके से ये चुने नहीं जाएंगे, वो सर्वसम्मति से चुने जाएंगे, वो दूसरे के भरोसे पर, दूसरे के प्लेटफार्म के ऊपर वो चुन के आते, वो समाज के प्रति ख्याल नहीं दे सकते। सर, बाबा साहब ने आगरा के अंदर एक मंच पे बोला था और बड़े दुखी होकर बोला था कि आज जो मुझे धोखा दिया है वो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज जब बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की जब बात करते हैं, तो देखा जाता है कि नए नए मतलब इस तरीके से संगठन उभर कर आ रहे हैं और जनता को इकट्ठा करते हैं, फिर जनता की कोई बात नहीं सुनता है। नहीं, बाबा साहब ने जो बात कही थी कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने समाज को हमको धोखा दिया, बाबा साहब ने बहुत दुख व्यतीत किया था। बात यह है कि बाबा साहब की संकल्पना वाली संगठन कितने बने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना वाली जो मूवमेंट, लेबर मूवमेंट ये देश में खड़ी होना चाहिए थी, वो खड़ी नहीं हुई।
एसोसिएशन के स्वरूप में ब्राह्मणवादी लोगों के साथ हमारे लोग रहते और बाबा साहब की भी बात करते, ये बात हम नहीं करते। बाबा साहब ने 1937 में जो बात कही थी, बाबा साहब ने स्वयं में झाड़ू मारने वाले लोगों की ट्रेड यूनियन बनाई थी और 1941 में उनको मार्गदर्शन किया। बाबा साहब ने 12-13 फरवरी 1938 को जो रेलवे में काम करने वाले गैंगमैन हैं वहाँ भाषण दिया था कि देर आर टू एनिमीज ऑफ द बैकवर्ड क्लास वर्कर इन इंडिया, फर्स्ट एनिमी इज द ब्राह्मणिज्म एंड सेकंड एनिमी इज द कैपिटलिज्म। ये बातों को लेके जितने जल्दी हो उनकी खुद की अपनी लेबर मूवमेंट बनाना चाहिए, ये बात बाबा साहब ने 38 में किया। वो बात का संगठन हम नहीं बना पाए, ये नहीं बना जाए, इसलिए बाबा साहब का जो दुख था उनके बाद उनका सपना पूरा करने का काम इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन भविष्य में निश्चित रूप से करेगी। पाटिल जी, आगामी योजना क्या रहेगी आपके स्वतंत्र मजदूर यूनियन को लेकर? हमारी आगामी योजना 93% जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, खेतिहर मजदूर है, आंगनवाड़ी मजदूर है, बाकी मजदूर है, उनको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे रिजर्वेशन बेनिफिशरी जो आज बड़े पद पर है उनको इकट्ठा करना, उनका हर डिपार्टमेंट का संगठन मजबूत करना और मजबूती के साथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली उनका सपोर्ट लेके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाके 93% पर प्रभुत्व डालने वाले एंटी अम्बेडकराइट के जो विचारों के लोग हैं उनको निष्प्रभ करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव भविष्य में रहेगा। सर, अभी पाटिल साहब ने बोला कि बाबा साहब ने बड़े दुख से बोला और बाबा साहब ने सर वो 3 मंत्र दिए थे कि एक शिक्षा लो और संगठित रहो, संघर्ष करो। मन से सभी बोलते हैं कि शिक्षा लेनी है और शायद शिक्षित हो भी चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ इतने बड़े स्टेज पर आकर और एसी बंगलों के अंदर कहते हैं, लेकिन अभी तक हम गांव तक या देहात तक नहीं जा पा रहे, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, बाबा साहब ने बोला था एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। क्या हो रहा है, हमारे लोग तो एजुकेट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी होते हैं, लेकिन वो संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आते। बाबा साहब ने जो भी हमें मिला के दिया वो सब जो मिला है वो संघर्ष के माध्यम से मिला दिया है, तो हम संघर्ष करना भूल गए। हमको संघर्ष करने की आज ज़रूरत है और संघर्ष उन्होंने करना चाहिए जिन्होंने बाबा साहब की मूवमेंट का फ़ायदा लिया। तो बाबा साहब की मूवमेंट का फ़ायदा जब एम्प्लॉयज ने लिया तो पहली जिम्मेवारी उनकी बनती है कि उन्होंने संघर्ष करना चाहिए खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। पे बैक टू सोसाइटी वाला जो मसला है कि जो पे बैक टू, आप जो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको गांव देहात में रहने वाले लोगों को भी मतलब समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर तबके के जो लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, जो देहातों में रह रहे हैं, पिछड़े हैं और उनकी जो समस्या है वो सुलझाने का काम इन पढ़े लिखे लोगों ने करने की अपेक्षा बाबा साहब ने की थी और वही बात आज हमें करने की ज़रूरत है। सर, आपका नाम? NB जारोंडे, जनरल सेक्रेटरी MSAB बैकवर्ड क्लास इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन। स्वतंत्र मजदूर यूनियन की बहुत अच्छी धारणा है कि सभी को साथ लेके चलना है और आगामी योजना यह है कि सभी पूरे राज्यों में घूम घूम कर सभी समाज को इकट्ठा करेंगे। JS पाटिल साहब ने कहा, कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, भारत की राजधानी दिल्ली, रामलीला मैदान से।